हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो। माय सेल्फ मिस्टर मानेसर, स्टैंडर्ड ऑफ क्लास टीचर 4। टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सी एवरीवन, लास्ट वीडियो वी लर्न लेसन सेकंड, नंबर वर्क। इन नंबर वर्क टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कंपेयरिंग नंबर। सी एवरीवन, कंपेयरिंग नंबर इन ईच अदर। आई थिंक लास्ट ईयर यू लर्न स्मॉलेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर, टू डिजिट स्मॉलेस्ट, टू डिजिट बिगेस्ट नंबर, बट दिस ईयर थ्री एंड फोर डिजिट कंपेयरिंग द नंबर। सी एवरीवन, हियर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फर्स्ट दे राइट हियर numbers, smaller number you write in this box, bigger number write in this box. See everyone, first 2123, 1968, which one smallest, 2000 or 1000? 1000, you write here 1968. Then this one bigger number 2123. Then second 2432 2400 smaller or 2400 2300 is a smaller number then 2432 bigger. This type you complete this one and this all exercise in your classwork notebook. Understand? And second, we are going to second point, ascending and descending order. With the help of page, I solve the question. Everyone listen carefully. See everyone, ascending and descending order. Here, they give four digit numbers. 2980 3000 5125. First order, ascending order. How to write ascending order? See everyone, ascending means first you write small, then big. Ascending order, which one the small? 2980, this is a smaller. Then bigger number 3000, you draw this type arrow, then bigger 1000 5200 125, this is called ascending order. Descending order very simple, only you write the back numbers in front. For example, 5121, 3000, then last 2980. This is called ascending order, descending order. This type you solve the exercise. Write the numbers in ascending and descending order. First one I solve here, 2345 2349 2347. How to solve? Ascending order. First, ascending order. Then, second, descending order. Ascending order में आपको क्या लिखना है? First, सबसे small कौन सा है? 23, 23, 23 same है. 45, 49, 47. 2345 smaller है. उससे big कौन है? 47. 2347 उससे भी कौन है? 2349. अभी डिसेंडिंग ऑर्डर पूरा उलट आपको लिखना है. 2349 2347 2345. Understand everyone? Same you solve the second, third, fourth, fifth, sixth in your classwork notebook and homework notebook. Next point,
even and odd number. Even and odd number. I think last year each and every one student you learn this topic, even number and odd number. See, here are number of flower. Some flowers are there. यहाँ पे कुछ फूल का कुछ उन्होंने दिया है. इसमें हम find out करेंगे smaller कौन से और even कौन है और odd कौन है. यहाँ पे देखो मिशेल के पास कितने फ्लावर है, 1, 2, 3, 4. ये 4 means which number, even number है. even number में कौन कौन से आते हैं, 2, 4, 6, 8 and 0. इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट है तो वो सभी इवन नंबर. और ऑड नंबर यूनिट प्लेस में 1, 3, 5, 7 and 9. सी प्रमजीत के पास 5 फ्लावर है, 1, 2, 3, 4. 5 इवन है क्या ऑड, ऑड नंबर है. और यहाँ पे रेशमा के पास कितने फ्लावर है, 6 है, 6 इज अ इवन नंबर. माधुरी के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फ्लावर है, ये भी कौन सा है, इवन है. और मनीषा के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फ्लावर है, तो 9 इज अ ऑड नंबर. अंडरस्टैंड. सी इन द पेज नंबर 16 देयर इज नो एक्सरसाइज, डायरेक्टली वी लर्न नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इंटरनेशनल नंबर. हम इसे रोमन नंबर्स भी कहते हैं. इंटरनेशनल नंबर और रोमन नंबर, देवनागरी नंबर्स. सी आपको बस ये बॉक्स देखना है. देवनागरी नंबर्स मींस हम बोलते हैं मराठी नंबर. सी एवरीवन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनको कहा जाता है देवनागरी न्यूमेरिकल्स. अभी इंटरनेशनल मतलब इंग्लिश में हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी इंटरनेशनल नंबर है. उन्होंने देखो यहाँ पे देवनागरी न्यूमेरिकल्स 4 से 97 इन मराठी हम क्या बोलते हैं, 4 से 97 इंटरनेशनल न्यूमेरिकल्स में उन्होंने लिखा है 497 मींस 497. ऐसे ही ये पूरा बॉक्स उन्होंने यहाँ पे करके दिया है. आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, देखो रीड द नंबर्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन वर्ड्स. ये पूरे वर्ड्स में लिखना है, मतलब रीडिंग नंबर्स एंड राइटिंग देम इन वर्ड्स. पार्ट वन पार्ट टू वीडियो में हमने 4 डिजिट और 3 डिजिट का इन वर्ड्स हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे 5 डिजिट है. तो फर्स्ट वन क्या है, 20,504 इसका स्पेलिंग आपको लिखना है. देन सेकेंड 97,487 इसका भी स्पेलिंग आपको लिखना है. थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इसी तरह ये सभी का क्या करना है आपको, स्पेलिंग लिखना है. देखो उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, वेयर हैव यू सीन इंटरनेशनल न्यूमेरिकल्स बीइंग यूज्ड. हाँ, इंटरनेशनल नंबर आप कहाँ पे देखते हैं वो आपको क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है. दिस टाइप यहाँ पे वो ये लेसन क्लोज होता है. तो आपको एक्सरसाइज में क्या क्या लिखना है, फर्स्ट वन कंपेयरिंग नंबर, इसका एक्सरसाइज लिखना है. देन सेकंड पॉइंट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. देन थर्ड पॉइंट इवन एंड ऑड नंबर, देन इंटरनेशनल नंबर, उसके बाद है राइट इन वर्ड्स. ये सभी पॉइंट आपको क्या करना है, CW में भी लिखना है और HW में भी लिखना है. ओके.